हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली से अगर आप जेएसएन फाइल GST R1 के लिए प्रिपेयर करते हो और उसको आप GST पोर्टल पे अपलोड करते हो और उसमें अगर आपको एरर आता है, आपका कुछ पर्टिकुलर HSN वाइज डिटेल अगर आपको पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाता है उसका अगर एरर आता है, तो आज सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था और मेरे बहुत सारे कस्टमर को भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरे केस में किया तो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि जिससे आप भी अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप भी उस तरीके से अगर करोगे तो शायद हो सकता है कि आपका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। तो अभी मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने GSTR1 टेली से प्रिपेयर किया, JSN प्रिपेयर किया और उसको मैंने डायरेक्ट अपलोड किया, तो अपलोड करने के टाइम पर मुझे एरर आया था, वो एरर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एरर था, बट ये एरर सिर्फ और सिर्फ HSN समरी का था और HSN की डिटेल मेरी पोर्टल पे अपलोड नहीं होती, बाकी सारे के सारे इनवॉइस मेरे अपलोड हो गए थे, डॉक्यूमेंट समरी भी अपलोड हो गई थी, सारा का सारा डिटेल मेरे पोर्टल पे आ गया था, बट प्रॉब्लम कुछ HSN समरी का था जिसकी वजह से मेरा HSN समरी पेंडिंग था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टेली में जाके मेरा डेटा चेक किया, तो उसमें मैंने एक गलती की थी कि एक जो मेरी एक आइटम थी जो कि वो सर्विस थी और वो मुझे यहाँ पे गुड्स में दिखाई दे रही थी, उसमें क्वांटिटी कुछ भी नहीं था। और जब मैंने उसको ओपन करके पर्टिकुलर उस आइटम को चेक किया तो मैंने जो हम लोग GST एप्लीकेबल करते तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है गुड्स और सर्विस का, तो वहाँ पे मैंने गलती से गुड्स रखा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको गुड्स की जगह पे सर्विस किया, फिर उसके बाद मैंने सेक्शन वाइज JSN एक्सपोर्ट किया। जैसे कि आपको पता है मैंने आगे भी वीडियो में बताया था कि सेक्शन वाइज किस तरीके से हम लोग JSN प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को अगर आप यस करते हो तो आपको HSN वाइज डिटेल B2C B2B इसका सबका अलग अलग एक JSN प्रिपेयर हो जाता है, तो वही मैंने प्रिपेयर किया। और उसके बाद मैंने HSN वाइज का JSN अपलोड किया। HSN वाइज डिटेल अपलोड करने के बाद जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे अब मुझे 00 ही दिखाई दे रहा था, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बट मैंने जब एंटर करके अंदर जाके चेक किया तो मेरा सारा का सारा डिटेल यहाँ पे अपडेट हो चुका था, बट मुझे हाफ एन आवर तक वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सारा का सारा अमाउंट, मुझे टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स लायबिलिटी अमाउंट मुझे यहाँ पे शो किया। तो ये जो मैंने सेपरेट JSN प्रिपेयर करके मैंने अपलोड किया तो मेरा ये अपलोड हो गया था, बट अगर आपको ये सॉल्यूशन करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप HSN वाइज डिटेल का, अगर आप GST पोर्टल से जो ऑफलाइन टूल है उसमें HSN वाइज का आप सेपरेट से JSN प्रिपेयर कर लें और उसको अपलोड करेंगे तो भी आपका शायद प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, बट ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरा ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ मेरे में इशू था तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इसमें गाइड करना चाहता हूँ, अगर आपको और भी कोई टेलीप्राइम में या GST में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इसमें इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नोटिस प्रार करना ना भूले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।